रुपए में किलोग्राम कैसे निकालें। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर मार्केट में हमें रुपए से किलोग्राम निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, वस्तु 40 रुपए किलो है तो 100 रुपए में कितनी मिलेगी, ठीक है। वस्तु 60 रुपए किलो है तो 200 रुपए में कितनी मिलेगी, यानी कि कितने केजी मिलेगी। थर्ड में वस्तु 120 रुपए केजी है तो 20 रुपए में कितनी मिलेगी। वस्तु 138 रुपए, जैसे कि मान लीजिए दाल वगैरह भी होते हैं, तो 30 रुपए का ही हमको चाहिए तो कितनी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर ट्रिक पर बात करेंगे कि अगर कैलकुलेटर से अगर हम करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उम्मीदों का प्रभात में, जहां पर आपको मिलती है हिसाब किताब वाली आपके कमेंट पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज। अगर आपको भी होती है मार्केट में उलझन भरे सवालों से उलझन, तो ये चैनल आपके लिए। फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं कि हम चुटकियों में फटाफट हिसाब निकालना चाहें, तो ये चैनल आपके लिए है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोस जो आपके डेली हिसाब किताब को सरल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग कैलकुलेटर एंट्री देखने वाले हैं कि रुपए में केजी अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेटर एंट्री क्या होने वाली है इसको हम लोग यहां पर देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले फ्रेंड्स आपको ये समझना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन होती है उसमें, देखिए उसमें इस तरह का कुछ ये 00 टाइप बना रहता है। इसको समझने की जरूरत है कि आखिर ये वास्तव में क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको और भी आसानी होगी ये रुपए से किलोग्राम निकालने में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ 00 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन का जो डिस्प्ले होता है उस पर ऐसा लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है और क्या होता है ये देखिए। इस तरह का देखिए दशमलव बीच में लिखा होता है जो कि इसको अलग अलग करता है, इधर कुछ 00 टाइप का लिखा रहता है और पीछे भी कुछ 00 टाइप का लिखा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, देखिए एक केजी यानी कि जो किलोग्राम होता है उसमें एक किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब फ्रेंड्स, अगर किलोग्राम निकालना होता है तो जो वस्तुएं होती हैं वो किलो में भी होती हैं और ग्राम में भी होती हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि देखिए जो दशमलव के आगे होता है वो पूरा पूरा केजी होता है, यानी कि इधर के जो दो डिजिट या तीन डिजिट जो भी होते हैं दशमलव के आगे, वो दशमलव के आगे वो केजी वाले होते हैं, और इसके पीछे जो तीन या दो डिजिट होते हैं वो ग्राम वाले होते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2.23456789, अगर ऐसा आ जाता है आपके कैलकुलेटर में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कितना लेना है, मात्र लेना है दशमलव के बाद 3 अंक तक। कितने अंक तक, 3 अंक तक लेना है। अब इसको समझ लीजिए, ये है क्या, ये है 2 kg 334 ग्राम। कितना है, 2 kg 334 ग्राम, ठीक है। अगर कहीं आपका ऐसा लिखा हुआ आ जा रहा है 1.67777, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, अब बताइए इसमें आप कि ये आगे और पीछे, इसमें अगर किलो और ग्राम हम आपसे पूछें तो ये किलो और ग्राम कितना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बताइए, हम लोगों को लेना है दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक तक। तो 3 अंक तक जब हम लेंगे, तो चलिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। अब देखिए दशमलव के आगे 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 किलो, और यहाँ 677 है मतलब 677 ग्राम। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए फ्रेंड्स, हम अपनी कैलकुलेटर एंट्री समझते हैं कि कैलकुलेटर एंट्री क्या होगी और यहाँ पर हम रुपए में केजी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर उधर स्पेस कम है तो हम लोग यहीं पर इतने में ही समझेंगे रुपए में केजी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे अपना ट्रिक, रुपए में अगर हमें केजी निकालना है फ्रेंड्स,
तो देखिए इसके लिए कैलकुलेटर एंट्री क्या बनेगी समझिएगा। देखिए इस तरह का हमें भाव अक्सर मार्केट में बताया जाता है, 40 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। तो देखिए किलो का भाव बताया जाता है, एक किलो का। तो यहां पर रुपए में किलोग्राम निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर एक एंटर करना है। क्या एंटर करना है? एक एंटर करना है। इसके बाद यहां आपको डिवाइड लगाना है और यहां पर आपको भाव एंटर करना है। क्या एंटर करना है? भाव, भाव, भाव के रुपए एंटर यहां पर करना है, जो कि प्रति केजी में आपको बताया जा रहा है। किसमें बताया जा रहा है? प्रति केजी में आपको बताया जा रहा है, वो भाव के रुपए आपको एंटर करना है। इसके बाद यहां आपको वांछित रुपए, वांछित रुपए यानी जितने रुपए का आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वांछित रुपए आप यहां पर सबसे पहले यहां पर एंटर करेंगे। तो इस तरह से यहां पर रुपए में केजी ये हो चुका है। यही फ्रेंड्स हम लोगों का स्टार पॉइंट है, यही हम लोगों का स्टार पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग इसका अप्लाई अब यहां पर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर है 40 रुपए किलो है, 100 रुपए में कितना केजी मिलेगा ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने इस स्टार पॉइंट की मदद से हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए सबसे पहले हमें निकालना है, देखिए यहां रुपए में केजी, तो यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, 100 रुपए में कितना केजी मिलेगा ये हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम एंटर करेंगे क्या, एक। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 100 रुपए में, 100 रुपए में कितना केजी मिलेगा ये हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है, रुपए में केजी। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी, सबसे पहले यहां पर हम लोग एक एंटर करेंगे कैलकुलेटर में। क्या एंटर करेंगे? एक एंटर करेंगे। इसके बाद यहां पर डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, एंटर करेंगे, यानी कि भागा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहां पर भाव एंटर करना है, तो जो हमारी पहले क्वेश्चन में वस्तु 40 रुपए किलो है, तो दूसरे नंबर पर हम यहां पर भागा का चिन्ह लगाकर 40 एंटर कर देंगे। इसके बाद यहां पर गुणा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। अब देखिए वांछित रुपए जो है कितने हैं, 100 रुपए में कितना केजी मिलेगा ये हमको पता लगाना है। तो जैसे ही हम यहां 100 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 2.5, ठीक है। और ये क्या है फ्रेंड्स? ये है केजी। अब यहां पर समझना है, देखिए जो मैंने यहां पर पहले ही आपको बताया कि देखिए किलो और ग्राम में देखिए जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें दशमलव के पीछे भी 00 टाइप का रहता है और आगे भी, तो यहां पर 3 रहता है। क्यों 3 रहता है? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसमें 3 जीरो है, तो यहां पर ये 3, ये 0 की जगह यहां पर दशमलव के बाद रहता है। तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, और चूंकि ये केजी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें दशमलव के बाद 3 अंक तक, दशमलव के बाद कितने अंक तक, 3 अंक तक हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। तो अगर जहां पर नहीं रहेगा वहां पर हम यहां पर 00 अपने से बना लेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर अगर पीछे 0 होता है तो वो उसको देता नहीं है, ठीक है, इसको हमें अपने से समझना पड़ता है। अब फ्रेंड्स हमारा यहां पर मात्रा आ चुका है, जिसमें कि अगर हम देखें तो देखिए ये आगे का केजी है और पीछे का ग्राम है। क्या है? ग्राम है। इसका मतलब 2 केजी 500 ग्राम मिलेंगे अगर वस्तु 40 रुपए केजी है और 100 रुपए में हम लेना चाहते हैं, तो 2 किलो 500 ग्राम, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, यहां पर देखिए पूछा जा रहा है 200 रुपए में केजी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसकी भी एंट्री करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को स्टार्ट पॉइंट में बताया गया कि रुपए में केजी निकालने के लिए सबसे पहले यहां एक एंटर करेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 60 रुपए जो दाम है 1 केजी का है, ठीक है, तो यहां एक एंटर कर दिए। इसके बाद यहां डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां भाव एंटर करेंगे, तो भाव प्रति केजी 60 रुपए किलो है, तो यहां 60 एंटर करेंगे। इसके बाद यहां पर गुणा लगाएंगे। अब हमें चाहिए कितने का, 200 रुपए का चाहिए, तो यहां पर हम 200 एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे हम देख सकते हैं यहां पर कितना आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर आ रहा है 3.3333, ये ढेर सारा आ रहा है।
अब इसको समझने की जरूरत है कि यहां पर क्या होगा। तो अब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि दशमलव के बाद तीन अंक तक ही होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, और कम आएगा तो जीरो जीरो से हमें करके तीन अंक तक करना पड़ेगा दशमलव के बाद। तो यहां पर फ्रेंड्स हमें लेना है सिर्फ इतना ही। अब यहां पर देखिए कंफर्म हो चुका है और आप समझ भी गए होंगे 3 kg 333 ग्राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। वस्तु 120 रुपए किलो है और हमें 20 रुपए का चाहिए, कितने का, मात्र 20 रुपए का चाहिए। तो देखिए यहां पर हमें चाहिए 20 रुपए में केजी, तो चलिए हम लोग यहां डायरेक्ट कैलकुलेटर एंट्री करते हैं, हमें यही चाहिए 20 रुपए में कितने केजी मिलेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एंट्री करते हैं हम कितना, 1, क्योंकि हमारे स्टार पॉइंट में 1 दिया, और ये 1 क्या है, केजी है, क्योंकि 120 रुपए में मिलेंगे 1 किलो। इसके बाद यहां पर डिवाइड लगाएंगे और यहां पर एंटर करेंगे 120, क्योंकि किलो का भाव कितना है, 120 है। अब तीसरे नंबर पर गुणा का चिन्ह एंटर करने के बाद हम एंटर करेंगे कितना, वांछित रुपए, हमें चाहिए कितने का, 20 रुपए का। यहां जैसे ही 20 एंटर करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है फ्रेंड्स 0.16666, ढेर सारे आ रहे हैं। तो अब देखिए आप तो समझ गए हैं, आपको लेना है सिर्फ जीरो के दशमलव के बाद तीन अंक तक। तो तीन अंक तक जब लेंगे तो आगे तो कुछ भी नहीं है, तो केजी में कुछ भी नहीं होगा, यहां पर मात्र होगा 166 ग्राम। यानी कि अगर केजी में बताना हो तो यहां हम लिखेंगे 0.166 केजी, लेकिन अगर हम समझने के लिए बात करें तो यह है 166 ग्राम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 रुपए में कितना केजी मिलेगा ये हम लोग निकालने वाले हैं। तो 138 रुपए का 1 किलो है, तो यहां पर 1 एंटर कर दिया हम लोगों ने, यहां पर हम लोगों ने डिवाइड का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 1 भागा, अब भाग का चिन्ह लग गया, भाव, भाव 138 रुपए, तो 138 रुपए इसको एंटर करने के बाद हम लोग यहां पर गुणा लगाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए कितने का, तो हमें चाहिए यहां पर कितने का, 30 रुपए का। जैसे ही 30 एंटर करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.217 39 13 0 43। तो फ्रेंड्स अब यहां पर हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को दशमलव के सिर्फ तीन अंक तक लेना होता है। इसलिए यहां पर अगर वस्तु 100 यानी दाल ही है, मान लीजिए दाल 138 रुपए किलो है, तो 30 रुपए में कितना मिलेगा, 217 ग्राम। तो मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास कैलकुलेटर या मोबाइल है तो रुपए से किलोग्राम अब आप फटाफट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास है डबल स्टार ट्रिक। ठीक है, तो ये डबल स्टार ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अगर आपके भी मन में कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की।